मनोज जरांगे पाटील यांच्या लढ्याला अखेर यश मिळाले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मनोज जरांगे यांना भेटून मनोज जरांगे पाटील यांचं उपोषण सोडलेलं आहे. त्यामुळे या लढ्याला आता यश मिळाल्यामुळे नागरिकांमध्ये म्हणजेच मराठा समाज बांधवांमध्ये देखील आनंदाचं वातावरण पाहायला मिळत आहे. यावेळी मराठा समाज बांधवांनी देखील आनंद व्यक्त केला आहे आणि मोठ्या प्रमाणात मराठा समाज बांधवांमध्ये हे जल्लोषाचं वातावरण आपल्याला पाहायला मिळत आहे. आज जो इतिहास रचा गया है ये ऐतिहासिक इस क्षण को हम साक्षीदार होने के लिए आए हैं और इसका हमारे को सब मराठा बांधव को भविष्य में बहुत बहुत फायदा मिलेगा. ये सब हमारे लिए वो एक दैवत बन के आए हुए हैं और उनको जो भी बात कहेंगे यहाँ से आगे हो हम वो उनकी बात के चलने वाले हैं. पूरे हम 700 किलोमीटर लंबे लाम से है. हमारा बॉर्डर कर्नाटक और तेलंगाना के बॉर्डर से है. हमारे गाड़िया 5000 लोग आए. मनोज भैया की एक 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 आवाज पे पूरा लोग हमारे इधर आए. कम से कम 1 करोड़ मराठा इधर खड़े. आरक्षण मिला इतना इसका ऊंचे ऊंचे हमको साल करने का. हमारा हमारे को इतनी खुशी हो रही कि सब लोग और देर में गाँव की तरफ से आ रहे हैं. हम ऊंचे ऊंचे साझा करने की तैयारी कर रहे हैं. जो वादा है दादा है हमारे मनोज दादा उनका उनका जो आरक्षण लेने का इच्छा था वो आपकी पूरा हो रहा है और जो भी हो रहा है वो जो हम गाँव में जाकर साझा करने वाले हैं.